गर्भ से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। और इनके जन्म के विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है, 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। संवत 1554 में श्रावण के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को शनिवार के दिन श्री तुलसी मैया के गर्भ से श्री तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और इनका चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है, यदि आप लोगों ने सुना हो, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, साधारण बालक की तरह जन्म नहीं, जन्म साधारण बालक की तरह, लेकिन साधारण बालक थे नहीं, 3200 तो दांत थे मुंह में जिस समय जन्म हुआ है। और जन्म लेते ही रोए गए नहीं, राम 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 राम, निरंतर राम नाम की ध्वनि इनके मुंह से निकल रही थी। जिस समय इनके पिता बाहर विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे, लोगों ने जाकर खबर दी, आपके यहाँ बेटा तो हुआ, पर पता नहीं बेटा हुआ कि कोई भूत प्रेत हुआ, तो पैदा होते ही जने क्या राम 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 बोल रहा है, 3200 दांत इसके मुंह में, रोया नहीं, और छोटा सा है लेकिन लगता ऐसा जैसे 5 साल का बालक पैदा हुआ। बाकी के मूढ़ बुद्धि के लोग